जंगहा थाना क्षेत्र के दोबिहारी पुल के पास गुरुवार की सुबह एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान में जुट गई। मृतका की पहचान जंगहा थाना के दुबियारी टोला निवासी किरण पासवान के रूप में की गई। आशंका जताई जा रही है कि गला दबाकर महिला की हत्या की गई है। घटना सुबह करीब 4 बजे की है। मामले की प्राथमिक जाँच के आधार पर पुलिस को मृतका के पति पर हत्या का शक है। बताया गया कि मृतका किरण अपने माँ बाप की तीसरी संतान थी। 13 वर्ष पहले उसकी शादी सुनील पासवान से हुई थी, जो मुंबई में रहकर मजदूरी करता है। 15 दिन पहले ही वह दुबियारी टोला स्थित अपने घर आया था। फिलहाल आरोपी पति सुनील को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, रूबी मम्मी पापा उनको मारे थे। किनको? मम्मी को। अच्छा, अब ये नहीं मालूम उनको। मम्मी जब पापा बल्ले बुता दिए थे तो मम्मी उतरी तो मम्मी चिल्लाई तो हम लोग डर कर बिछाना में लुका गए थे। फिर मम्मी पापा उनको घिसरा के वो देखो वो सब रो रहे, हम लोग को देखो वो सब रो रहे हैं। तभी कम्बल आए उड़ा दिए और चले गए और मम्मी को घिसरा के सीढ़ी पर सीढ़ी दिए। हम मम्मी को पापा मारे 4 बजे रात में। जी, जंगहा थाना क्षेत्र में भी एक महिला की डेड बॉडी मिली, जिसको पुलिस ने खोजबीन करने में पता चला कि सुनील पासवान की वाइफ किरण पासवान की डेड बॉडी है और इस संबंध में सुनील पासवान को हिरासत में ले लिया गया है। प्रथम दृष्टया पति पत्नी के बीच विवाद के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है।